रात हमने ननकाना शहर में गुजारी है और रात से ही बारिश हो रही थी। अभी आसमान पर बादल तो हैं लेकिन धूप निकल आई है कुछ। तो अभी हमारा यहाँ से ननकाना से छांगा मांगा फॉरेस्ट जाने का प्रोग्राम है। ननकाना साहिब में रेलवे स्टेशन के साथ साथ ये एक नई रोड बनाई है कश्मीर हाईवे के नाम से, तो यहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं और हम छांगा मांगा फॉरेस्ट जा रहे हैं। हम छांगा मांगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क पहुंच चुके हैं, ये उसकी मेन एंट्रेंस है। छांगा मांगा जंगल 114 अकसाम के मैमल्स यानी दूध पीने वाले जानवर और 50 अकसाम के परिंदों और 6 अकसाम के रेंगने वाले जानवर और 27 अकसाम के हशरात का मस्कन है, जो यहाँ पे कुदरती माहौल में रहते हैं वो इस जंगल में अपना गुजारा करते हैं। छांगा मांगा फॉरेस्ट ज़िला कसूर में वाक़ है, जो लाहौर से 70 किलोमीटर जबकि ननकाना साहिब से 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताते चले जाएं तो ये जंगल 1866 में अंग्रेज़ दौर में मसनूई तौर पर लगाया गया था और इसका मकसद ये था कि उस वक्त स्टीम इंजन चलते थे, उन इंजन को लकड़ी प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर मसनूई जंगल लगाया गया और आस्ता आस्ता ये जंगल इंसानी हाथ से लगाया जाने वाला सबसे बड़ा जंगल बन गया। छांगा मांगा जंगल का नाम छांगा मांगा क्यों पड़ा? छांगा मांगा दरअसल दो भाई थे जो डाकू और चोर मशहूर थे, वो पुलिस से बचने की खातिर इन जंगलों में आकर छुप जाया करते थे, जिसकी वजह से इन जंगलों का नाम छांगा मांगा पड़ गया। इस जगह पे रेंडियर, हिरन और मेफलन शीप रखी गई है। छांगा मांगा वाइल्ड पार्क में मेफलन शीप, बाड़ा हिरन, सांबर, नीलगाय, बंदर और इसके अलावा कुछ परिंदे जैसे मोर और दूसरे छोटे परिंदे यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डियर सफारी पार्क भी मौजूद है। छांगा मांगा फॉरेस्ट में दो किस्म के पार्क हैं, एक ये सामने आप देख रहे हैं ये वाइल्ड लाइफ पार्क छांगा मांगा है, इसके अलावा ये राइट साइड पे नहर के छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क है। अब हम छांगा मांगा वाइल्ड लाइफ पार्क से छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क की तरफ जा रहे हैं। फॉरेस्ट पार्क के मेन गेट से आप एंटर हों तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पर कैंटीन मिलेगी और कैंटीन के साथ प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के झूले हैं, ये आप देख सकते हैं। इस एरिया को प्ले लैंड का नाम दिया गया है। कैफेटेरिया से थोड़ा आगे ये मीनार पाकिस्तान का एक मॉडल बना हुआ है, इसके साथ ही राइट साइड पर अगर आप जाएं तो यहाँ पे लकड़ी के हट बने हुए हैं, इस तरह के जिसको
लॉग हट का नाम दिया जाता है। इस तरह के यहाँ पे बहुत से हट्स हैं। चंगामांगा फॉरेस्ट पार्क के बीच में एक स्टील की तारों की मदद से हैंग किया हुआ पुल है, जो अपने कलर्स की वजह से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और ये लूनर झील के ऊपर बनाया गया है, जहाँ से लूनर झील का खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। और लूनर झील के दरमियान में एक बुद्ध मत के तर्ज पर बनाया हुआ पगोड़ा है, जिसकी दो मंजिलें हैं। इसके अलावा लूनर झील में बोटिंग, पैडल बोट वगैरह की सहूलियात भी दी गई हैं। चंगामांगा फॉरेस्ट की दो अहम चीज़ें, एक सफारी ट्रेन है जो चंगामांगा के जंगल में से गुजरती हुई मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को दिखाती हुई पूरे फॉरेस्ट का आपको चक्कर लगाती है, और इसके दो दिन मुकर्रर हैं, संडे और मंडे, और उसके लिए आपको स्पेशल बुकिंग पहले से करवानी पड़ती है। और दूसरी यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ की लूनर झील है। ये झील मसनूई तौर पर बनाई गई है, जो मोजों की नहर में से पानी निकाल कर यहाँ पे पानी डाला गया है और इसे झील की सूरत में डाल दिया गया है। लूनर झील के इर्द गिर्द दो जगह हैं, वो एक तो वॉकिंग ट्रैक है जहाँ पर आप झील के इर्द गिर्द वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टील का हैंगिंग ब्रिज है। इसके अलावा यहाँ पे आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। और लूनर झील में एक और चीज़, वो यहाँ पे बुद्ध मत की तर्ज तामीर के पर बना हुआ पगोड़ा है, जो दो मंजिला है और झील के दरमियान में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। चंगामांगा सफारी ट्रेन का ये स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन चलती है, और यहाँ की स्पेशल बुकिंग भी आप करवा सकते हैं। फ़ी बोगी 500 रुपये हैं और उसकी आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं। टर्मिनेलिया, गाब, फिलकन, जामन, अम्ब, मरवा, थैक्सा, लेगजेंड्रा पाम, फिनेक्स पाम, एसोकेरिया, जस्ट्रूफा, उल्टा शोक, सिद्धा शोक, अरीठिया, बोतल बुर्श, कनक चंबा, गाब,